Good evening, dear students. In this video, we will discuss about magnetic circuit and then different terms related to magnetic circuit. For example, MMF, flux, reluctance, magnetizing force, and relative permeability, different permeabilities. ये सब बातें डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में. मैग्नेटिक सर्किट के बारे में मेनली बात करेंगे. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट ये है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज़ मैग्नेटिक सर्किट. ये मैग्नेटिक सर्किट है. मैग्नेटिक सर्किट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स. लगभग हर विद्युत मशीन में मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण होता है, ये उनका आवश्यक भाग होता है. और विद्युत मशीनों के अलावा भी बहुत जगह पर मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए, फॉर डिफरेंट पर्पस. देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट. दिस ये इलेक्ट्रिक करंट है, एक बंद मार्ग तय करती है ये करंट, इसे विद्युत परिपथ कहते हैं. तो विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या है. विद्युत धारा द्वारा तय किया गया बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है. इसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और इसमें एक धारा होती है और धारा के मार्ग में कुछ अवरोध होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं. वोल्टेज धारा और प्रतिरोध में संबंध होता है. वोल्टेज या ईएमएफ भी कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो होता है इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस. उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट होता है. द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स. ये देखिए एक बंद मार्ग है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ये अपना मार्ग पूरा कर रहा है. इस बंद मार्ग को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं. और मैग्नेटिक सर्किट के आवश्यक घटक क्या हैं. जैसे वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का आवश्यक घटक, या ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट का आवश्यक घटक एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट की डेफिनेशन क्या है. द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा, चुंबकीय फ्लक्स द्वारा तय किया गया बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है. चुंबकीय परिपथ के आवश्यक घटक क्या हैं. चुंबकीय वाहक बल जिसे एमएमएफ कहते हैं. चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है. चुंबकीय फ्लक्स एक मार्ग को फॉलो करता है. उस मार्ग में कुछ अवरोध होता है जिसको मैग्नेटिक रिलक्टेंस कहते हैं. मैग्नेटिक रिलक्टेंस चुंबकीय प्रतियास कहते हैं. तो यहाँ पे जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स. इस वोल्टेज को ईएमएफ भी कहते हैं. जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है. जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है. जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ होता है करंट का उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ होता है फ्लक्स का. जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रिलेशन होता है वी इक्वल टू आई आर, ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलेशन होता है एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस. सो देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सी समानताएँ हैं. और मैग्नेटिक सर्किट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लगभग हर विद्युत मशीन में, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर या अन्य भी बहुत सी विद्युत मशीनों में ये उसका आवश्यक घटक होता है. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड फॉर अदर पर्पज आल्सो वी डिज़ाइन मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट का एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, ये ट्रांसफार्मर की कोर है. इसमें इस वोल्टेज देते हैं तो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है. ये वो कारक होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है. यहाँ फ्लक्स उत्पन्न करता है, फ्लक्स एक बंद मार्ग को फॉलो करता है.
इसे मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। इसके मार्ग में कुछ अवरोध होता है, देर इज सम अपोजिशन, जिसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर ही नहीं बल्कि बहुत सी मशीनों में मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, डिफरेंट मैग्नेटिक सर्किट बनाए गए हैं, जैसे कि ये डीसी मोटर या डीसी जनरेटर। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, इसमें हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ MMF पैदा होता है, करंट प्रवाहित होती है I, उसमें फेरों की संख्या N होती है तो MMF पैदा होता है NI, MMF से यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है Phi। फ्लक्स एक बंद मार्ग को तय करता है, इधर से जाएगा ऐसे, इस प्रकार से ये इस रास्ते से ऐसे जाता है, कुछ फ्लक्स इधर से आता है ऐसे जाता है, इस तरह से अपना मार्ग पूरा करता है। यहाँ से लाइनें निकलती हैं, इधर से लाइनें जाती हैं, सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे यहाँ से निकलती हैं लाइनें, इधर से जाती हैं, अरे इस तरह से अपना मार्ग पूरा करती हैं, यहाँ से लाइनें निकलती हैं, इधर से कुछ अपना मार्ग पूरा करती हैं। सो ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट का एग्ज़ाम्पल है। इस तरह से देखिए, आप करंट यहाँ प्रवाहित होगी वाइंडिंग में, MMF प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स एक बंद मार्ग को तय करेगा, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ये डीसी मशीन है, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो सकता है। ये देखिए, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर होता है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग है, इसमें वोल्टेज देते हैं तो इसमें करंट का प्रवाह होता है, इसमें फेरों की संख्या N है तो बनता है MMF, MMF कितना बनता है NI, और उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। देखिए फ्लक्स इस तरह से अपना मार्ग पूरा करता है तो ये बनाता है एक मैग्नेटिक सर्किट। ये सिंक्रोनस मोटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है। ये देखिए, ये साइलेंट पोल टाइप का है, दिस इज साइलेंट पोल टाइप, दिस इज नॉन साइलेंट पोल टाइप या वाउंड टाइप। इसमें भी वोल्टेज देते हैं, करंट का प्रवाह होता है वाइंडिंग में, उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स इस तरह अपना मार्ग पूरा करता है तो एक मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण होता है। दिस इज सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है ये, तो ये मैग्नेटिक सर्किट का एक एग्जांपल है। ये इंडक्शन मोटर है, देखिए इसमें EMF पैदा होता है रोटर वाइंडिंग में, उससे करंट प्रवाहित होती है, MMF पैदा होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। देखिए फ्लक्स इस तरह से अपना मार्ग पूरा कर रहा है, ये फ्लक्स ऐसे मार्ग पूरा कर रहा है, सो इट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक सर्किट, ये मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण कर रहा है। तो ये देखिए, ट्रांसफार्मर में यहाँ हम वोल्टेज देते हैं, इसमें करंट का प्रवाह होता है, इसमें फेरों की संख्या N है तो MMF प्रोड्यूस होता है NI, MMF प्रोड्यूस होने से यहाँ पे फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स एक बंद मार्ग को फॉलो करता है, फ्लक्स फॉलोज अ क्लोज्ड पाथ एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ये देखिए, कोर क्यों रखते हैं, कोर इसलिए रखते हैं कि जिससे फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम रहे, जिसको हम यहाँ रिलक्टेंस बोलेंगे, रिलक्टेंस शुड बी लेस। ट्रांसफार्मर में आप चाहें तो कोर ना रखें तो भी मैग्नेटिक सर्किट तब भी बनता है, यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण तब भी होगा, बट यहाँ फ्लक्स के मार्ग में अवरोध ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस इज मोर, हेयर रिलक्टेंस इज लेस। तो इस तरह के चुंबकीय पदार्थ जो रखते हैं, जिनको हम लोग कोर बोलते हैं, कोर दे रिड्यूस रिलक्टेंस, ये रिलक्टेंस को कम कर देते हैं, फ्लक्स के मार्ग का अवरोध कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसका प्रभाव मशीन की इफ़िशियंसी पे बहुत पॉजिटिव पड़ता है, देर इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसलिए ये जो कोर मटेरियल हैं, देखिए ये सभी मटेरियल चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, आयरन या स्टील के, जिससे कि फ्लक्स के मार्ग में रिलक्टेंस कम हो, रिलक्टेंस को कहते हैं प्रत्यास, चुंबकीय प्रत्यास, ये कम होता है तो फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होता है, फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उससे मशीन की दक्षता पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इट अफेक्ट्स इफिशियंसी पॉजिटिवली। इसीलिए हवा में इस तरह से मैग्नेटिक सर्किट नहीं बनाते हैं, बिकॉज देर इज मोर रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को कम कर देता है, क्योंकि अवरोध ज़्यादा होता है हवा में, अवरोध ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से प्रतिरोध ज़्यादा होने से करंट कम हो जाती है, प्रतिरोध ज़्यादा होने जैसे करंट कम हो जाता है, वैसे ही रिलक्टेंस ज़्यादा होने से
रिलक्टेंस यस ज़्यादा होने से फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है, इसलिए फ्लक्स कम ना हो इसलिए इसमें कोर प्रोवाइड कर देते हैं। मैग्नेटिक सर्किट की हम अभी डेफिनेशन दे रहे थे, तो क्या है डेफिनेशन? दी क्लोज्ड पाथ पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट ये है, दी क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखिए ट्रांसफार्मर एक सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ सप्लाई देंगे प्लस माइनस वी, हालांकि ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं देते हैं एसी देते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ईजीनेस के लिए जिससे आपको जिससे ये चीज़ें समझ में आ जाएँ आसानी से, इसीलिए डीसी दी जा रही है, अदरवाइज डीसी नहीं देते हैं। यहाँ पे फेरे मान लीजिए एन है, ये इसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा एन आई, ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। आप हेलिक्स रूल लगाइए, अगर इस दिशा में धारा का प्रवाह होगा इस कॉइल में, इफ़ करंट फ्लोस इन दिस डायरेक्शन देन देर इज़ नॉर्थ पोल हेयर एंड देर इज साउथ पोल हेयर, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगी लाइनें, ये हवा में नहीं जाएंगी क्योंकि ये जो है पाथ प्रोवाइड किया गया है कम अवरोध वाला पाथ है, ये इधर से जाएंगे फ्लक्स, फ्लक्स इधर से जाएगा, इस तरह से अपना बंद मार्ग तय करेगा फ्लक्स, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ये तो मैग्नेटिक सर्किट है, ये दिस इज द मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एक एमएमएफ का सोर्स होता है, देर इज़ अ सोर्स ऑफ एमएमएफ जो फ्लक्स उत्पन्न करता है, फ्लक्स होता है और एक बंद मार्ग होता है जिसमें वो फ्लक्स अपना मार्ग पूरा करता है। तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट में ये सब बातें होती हैं। मैग्नेटिक सर्किट में एक होता है मैग्नेटिक पाथ क्या होता है, ये होता है ये पाथ जिस पाथ में ये फ्लक्स जा रहा है इसको कहते हैं मैग्नेटिक पाथ, दी पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, दी पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉल्ड मैग्नेटिक पाथ। तो ये है मैग्नेटिक पाथ। देखिए मान लीजिए ए है, दिस इज ए, ये सिरा बी है, दे सिरा सी है, ये सिरा डी है, तो ये पाथ है, तो ये पाथ है, दिस इज दी पाथ, ये ए बी सी डी ए, ये मैग्नेटिक सर्किट का पाथ है। पाथ तो पाथ होता है उसकी कुछ लंबाई होती है, मैग्नेटिक सर्किट की कुछ विशेषता होती है, एक तो पाथ होता है, पाथ वो बंद मार्ग होता है जिधर से मैग्नेटिक फ्लक्स अपना रास्ता को पूरा करता है, ये पाथ, इसको पाथ बोलते हैं। इसकी कुछ लंबाई होती है, देर इज़ लेंथ, कुछ लंबाई होती है मैग्नेटिक पाथ की, जैसे यहाँ पे लंबाई है मैग्नेटिक पाथ की ए बी, यहाँ से ये सिरा नाप लीजिए, ये दिस ए बी प्लस ये बी से सी के बीच नाप लीजिए बी सी प्लस सी से डी के बीच नाप लीजिए सी डी प्लस डी से ए के बीच में नाप लीजिए ये सो डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, दिस इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ये लंबाई है। दूसरा होता है मैग्नेटिक पाथ का कुछ एरिया होता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको काट दीजिए ऐसे, ये एरिया होता है जिस एरिया में फ्लक्स कन्फाइंड होता है उसको कहते हैं एरिया, एरिया ये मैग्नेटिक पाथ का कुछ एरिया होता है, देर इज सम एरिया, ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शन जो व्यू लेंगे इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे इसको कोर को, तो ये होगा एरिया, एरिया ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक पाथ में कोई मटेरियल होगा म्यू आर, उसको व्यक्त करते हैं म्यू आर, ये क्या है मैग्नेटिक पाथ का मटेरियल, मटेरियल ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ये है कोई मटेरियल होगा, अगर एयर है इन केस देयर इज एयर देन म्यू आर इक्वल टू वन, एंड इफ देयर इज आयरन और स्टील देन म्यू आर इज द वैल्यू ऑफ दैट रिलेटिव परमेबिलिटी उस पदार्थ का होगा, जो आयरन होगा तो आयरन के लिए जो होगा या स्टील होगा तो स्टील के लिए जो होगा। तो ये मैग्नेटिक पाथ की कुछ विशेषताएँ होती हैं, दीज आर सम
स्पेसिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ये मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक पाथ। अब मैग्नेटिक पाथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है उसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF। सो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है, इट इज़ सिमिलर टू EMF जो होता है, विद्युत सर्किट में जो कार्य करता है EMF या वोल्टेज, EMF या वोल्टेज जो कार्य विद्युत सर्किट में करता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, वैसे ही MMF यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। सो MMF इट इज़ दी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेट अप दी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस विद इन दी मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट। तो ये है, इसको बोलते हैं MMF। MMF क्या है? इट इज़ अ मैग्नेटिक प्रेशर, इट इज़ अ मैग्नेटिक प्रेशर विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। यह एक चुंबकीय दबाव है जो चुंबकीय फ्लक्स की उत्पत्ति करता है। इट इज़ लाइक EMF इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक विद्युत दबाव होता है जो इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए या धारा को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्टकट में MMF बोलते हैं, MMF एक चुंबकीय दबाव होता है। यह एक कारक होता है जो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की उत्पत्ति करता है। ये देखिए, वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें करंट का प्रवाह होगा, कुंडली में, कुंडली में करंट का प्रवाह होगा तो MMF प्रोड्यूस होता है करंट के प्रवाहित होने से। जब किसी कुंडली, ये कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, n नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में प्रवाहित होने वाली करंट का मान I है तो MMF प्रोड्यूस होता है n I, इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है n I। MMF को f से डिनोट करते हैं, f m ऐसे लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू n I। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह से MMF करते हैं। n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। I क्या है? कुंडली में बहने वाली करंट का मान है, दी करंट इन दी क्वाइल एंड यानी दी नंबर ऑफ टर्न्स इन दी क्वाइल। तो MMF क्या है? इट इज़ अ मैग्नेटिक प्रेशर विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ अ काज विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कारक है जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। MMF की परिभाषा ऐसे भी दी जा सकती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पोल वंस अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट। चुंबकीय परिपथ के एक चक्कर, एक यूनिट नॉर्थ पोल को लगाने में जो कार्य किया जाता है उसको MMF कहते हैं। नॉर्थ पोल को लीजिए और चुंबकीय परिपथ में एक चक्कर लगाने पर जो वर्क होगा वो MMF कहलाता है, उसको MMF कहते हैं। ये दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चुंबकीय ऊर्जा में जो कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, इट इज़ ड्यू टू MMF। अगर MMF ना हो तो मैग्नेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा। सो MMF इज़ दी काज विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कारक है ये। ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है चुंबकीय परिपथ में। इसका मान होता है n I, n फेरों की संख्या है कुंडली में। यहाँ अगर फेरों की संख्या n है, इसमें करंट का मान I है तो MMF प्रोड्यूस होगा n I। ये इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, I इज़ द करंट इन द क्वाइल। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न, एम्पियर I का मात्रक, टर्न n का मात्रक, टर्न I का मात्रक एम्पियर। सो एम्पियर टर्न इज़ द यूनिट ऑफ MMF। ये मात्रक होता है MMF का, एम्पियर टर्न, AT लिखते हैं शॉर्टकट में, AT ये यूनिट है MMF का। मैग्नेटाइजिंग फोर्स
चुंबक आयन बल कहते हैं हिंदी में, इट इज डिनोटेड बाई एच। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, ये वोल्टेज लगाने पे है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इफ़ यू अप्लाई वोल्टेज देन देर इज करेंट, इसमें फेरों की संख्या गरियन है, इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। देर इज करंट ऑन द क्वाइल, इन दिस क्वाइल देर इज करंट, तो MMF प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसका मान होता है n इंटू आई, MMF इक्वल टू n इंटू आई। तो MMF प्रोड्यूस होने से अभी हम बता रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो MMF क्या करता है, MMF मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, इट इज़ अ फोर्स विच अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मैग्नेटिक डोमेन्स का एक दिशा में होना। जब तक MMF नहीं लगाया जाता है पदार्थ में, चुंबकायन क्यों होता है, किसी तार की वजह से चुंबकत्व क्यों उत्पन्न होता है या किसी कुंडली की वजह से चुंबकत्व क्यों उत्पन्न होता है। देखिए, पदार्थ सामान्यतः चुंबक क्यों नहीं होते हैं, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय परमाणु होते हैं जो सामान्य अवस्था में, जिनके पोल जो हैं वो एक दिशा में नहीं होते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल, देखिए इनका ये नॉर्थ पोल है, एरो जो है, एरो ये नॉर्थ पोल की दिशा है, दूसरा साउथ पोल है। ग्रीन पार्ट साउथ, रेड पार्ट या एरो पार्ट नॉर्थ। तो सामान्य अवस्था में इनके नॉर्थ और साउथ पोल अनियमित दिशा में होते हैं, ये होते हैं मैग्नेटिक डोमेन। ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, उनको चुंबकित करना आसान होता है, उनमें मैग्नेटिक डोमेन बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बट सामान्य अवस्था में ऐसे होते हैं। जैसे ही MMF प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स चुंबकायन बल प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, इन सभी चुंबकीय परमाणुओं को, जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन या चुंबकीय परमाणु बोलते हैं, उनको एक दिशा में करने के लिए बल लगाता है, सबको एक दिशा में करने के लिए बल लगाता है। सभी नॉर्थ नॉर्थ एक दिशा में हो जाएंगे, साउथ साउथ एक दिशा में हो जाएंगे, तो यह वह बल होता है चुंबकायन बल, वह बल होता है जो चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में करता है। इट अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में संरेखित करने वाला कारक या बल चुंबकायन बल कहलाता है। सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज द फोर्स विच अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में करने वाला बल चुंबकायन बल कहलाता है। यही वह बल है जिसकी वजह से चुंबकीय परमाणु जो सामान्य अवस्था में रैंडम होते हैं और पदार्थ में कोई चुंबकत्व नहीं होता है, क्योंकि सभी का नॉर्थ साउथ एक दिशा में नहीं होता है, जिसमें इसमें कोई नेट मैग्नेटिज्म नहीं है, देयर इज नो नेट मैग्नेटिज्म, बिकॉज नेट मैग्नेटिज्म यहाँ जीरो है, बिकॉज देयर इज नो नेट डायरेक्शन, इनकी कोई दिशा नहीं है। लेकिन इनको एक दिशा में कर देने से इधर नॉर्थ बन जाता है, इधर साउथ, तो इनको एक दिशा में करने वाला जो बल होता है वही बल होता है चुंबकायन बल, उसी बल को कहते हैं चुंबकायन बल। इट इज द फोर्स विच अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन, इट इज द काज विच अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। अगर ऊपर इस दिशा में धारा बहाएंगे तो सभी चुंबकीय परमाणुओं का नॉर्थ ऊपर करेगा ये, और साउथ नीचे करेगा, तो यहाँ से नॉर्थ पोल ऊपर बनेगा, सभी के चुंबकीय नॉर्थ ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस तरह से। तो ये अलाइन करता है मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में, इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये मैग्नेटाइज करने वाला फोर्स है, ये इसको कहते हैं चुंबकायन बल, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है वो होता है MMF पर यूनिट लेंथ इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये चुंबकीय जो परिपथ है उसकी लंबाई अभी हम बता रहे थे B+BC+CD+DA, ये क्या है, ए ये बी ये सिरा सी ये सिरा डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ये है, ये लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ।
अगर इसमें बी वोल्टेज लगाया, करंट आई बह रही है, एन फेरे हैं, तो एमएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? एमएमएफ प्रोड्यूस होगा एन आई। मैग्नेटिक पाथ की लंबाई एल है, तो एमएमएफ पर यूनिट लेंथ जो होगा एच, वो होगा एन आई अपान एल। इसी को चुंबकायन बल कहते हैं। चुंबकायन बल देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये चुंबकायन बल एच, इसको एच बोलते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होने लगते हैं, तो वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ने लगता है। देखिए फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है। प्रारंभ में बहुत तेज़ी से अलाइन होते हैं, बाद में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे सभी अलाइन हो चुके हैं, इस बिंदु पर सभी मैग्नेटिक डोमेन एक दिशा में अलाइन हो गए हैं। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स और बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सभी चुंबकीय परमाणु मैग्नेटिक डोमेन एक दिशा में हो चुके हैं। ये होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब इसको घटाएंगे तो ये मैग्नेटिक डोमेन फिर से डी अलाइन होने लगते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी घटने लगती है। यहाँ पे देखिए कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स अभी भी अलाइंड रह जाते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करने पर भी। तो ये होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में अलाइन करता है, इसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और इसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। ये होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये मैग्नेटाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये एमएमएफ पर यूनिट लेंथ भी कहलाता है। एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला चुंबकीय वाहक बल, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला चुंबकीय वाहक बल चुंबकायन बल कहलाता है। ये चुंबकीय वाहक बल है एमएमएफ, उसको चुंबकीय वाहक बल कहते हैं, और एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले चुंबकीय वाहक बल को चुंबकायन बल कहते हैं। ये लंबाई है एल, ये चुंबकीय वाहक बल है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। एच का मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक टर्न, इसका मात्रक मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका मान जितना अधिक होगा मैग्नेटिक डोमेन्स पे एक दिशा में लगने के लिए बल उतना अधिक होगा, और इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब तक मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं आता है, यानी जब तक सारे चुंबकीय परमाणु एक दिशा में नहीं हो जाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती है। लेकिन जब एक दिशा में हो जाते हैं तो और अधिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बढ़ता है, ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक रिलक्टेंस। जो कार्य रेजिस्टेंस करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही कार्य रिलक्टेंस करता है मैग्नेटिक सर्किट में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे वोल्टेज दीजिए प्लस माइनस वी, यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा देर इज करंट, यहाँ फेरों की संख्या एन है, यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा आई। तो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ का मान कितना होगा? एन आई। एमएमएफ से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एन आई अपान एल। ये एल क्या है? ए बी सी डी। तो एल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। दिस इज एल। ये लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है एल। दिस ये है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ये है एल, एल है। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो फ्लक्स जब इधर से अपना मार्ग पूरा करता है तो इसके मार्ग में अवरोध होता है, तो जो अवरोध होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक रिलक्टेंस। दी अपोजिशन इन दी पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाई मैग्नेटिक सर्किट इस कॉल्ड रिलक्टेंस। इसको एस से भी डिनोट करते हैं, इसको आर एम से भी डिनोट करते हैं। आर मीन्स इट इज़ सिमिलर टू रेजिस्टेंस, दैट इज़ वाई वी डिनोट इट विथ आर। एम मतलब मैग्नेटिक है, इसलिए मैग्नेटिक रिलक्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये है रिलक्टेंस। दी अपोजिशन इन दी पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाई मैग्नेटिक सर्किट। चुंबकीय परिपथ द्वारा चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध,
चुंबकीय प्रतियास कहलाता है, इसे चुंबकीय प्रतियास बोलते हैं, चुंबकीय प्रतियास एस, एस से डिनोट करते हैं इसको। एस जो है रिलक्टेंस, ये लंबाई के समानुपाती होता है, चुंबकीय परिपथ की लंबाई जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, इसकी समानुपाती होता है। ज़्यादा लंबाई का पाथ होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये मैग्नेटिक पाथ के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये है एरिया, दिस इज एरिया, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाने से ये फार्मूला बन जाता है, एस इज़ प्रोपोर्शनल टू या लपान ए, या लपान ए, एस इज़ प्रोपोर्शनल टू या लपान ए, ये डिपेंड करता है पदार्थ पे भी, रिलक्टेंस का मान पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ एक नियतांक यूज करेंगे, तो नियतांक होता है एस इक्वल टू या लपान ए इंटू म्यू, ये म्यू एक नियतांक होता है, इस म्यू को कहते हैं, म्यू इक्वल टू होता है म्यू जीरो म्यू आर, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, परमियबिलिटी, परमियबिलिटी चुंबकशीलता, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये परमियबिलिटी ऑफ एयर, वायु की चुंबकशीलता, ये है आप सापेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमियबिलिटी, इसकी बात अभी करेंगे। तो ये होता है रिलक्टेंस, इसका मान जितना कम होगा फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उतना कम होगा, इसलिए रिलक्टेंस को हमेशा कम करने का प्रयास करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस को कम करने के क्या तरीके हैं, या लपान ए म्यू जीरो म्यू आर, ये रिलक्टेंस को कम करने के तरीके दिख रहे हैं। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ शुड बी मिनिमम, मैग्नेटिक पाथ की लंबाई जितना कम रहेगी रिलक्टेंस उतना कम होगा, रिलक्टेंस कम रहेगा तो उस फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होगा, लेकिन ज़्यादा लेंथ को हम कम नहीं कर सकते हैं, मैग्नेटिक पाथ की लंबाई को एक निश्चित वैल्यू से कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना अधिक होगा रिलक्टेंस उतना कम होगा। तीसरा पदार्थ पर निर्भर करता है, रिलेटिव परमियबिलिटी शुड बी वेरी हाई, व्यवहार का मान बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, जितना अधिक होगा रिलक्टेंस उतना कम होगा, इसीलिए चुंबकीय परिपथ जो हैं बहुत हाई रिलेटिव परमेबिलिटी के मटेरियल के बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन या सीआरजीओ स्टील जैसे धातुओं का बनाते हैं, इट इज़ बिकॉज देयर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है रिलक्टेंस कम होता है, रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होता है, जिस प्रकार से रजिस्टेंस कम होने से धारा अधिक होती है उसी प्रकार से रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स अधिक होता है, फ्लक्स अधिक होने से इफिशियंसी अधिक होगी, मशीन की इफिशियंसी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सो रिलक्टेंस शुड बी मिनिमम, इसको बहुत कम रखते हैं, बहुत कम रखने का प्रयास करते हैं, इसीलिए एयर से नहीं पास कराते हैं, एयर के लिए म्यू आर का मान 1 होता है तो रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एयर का। तो यहाँ देखिए रिलक्टेंस के लिए यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं, रिलक्टेंस जो होता है वो होता है फ्लक्स एम एम एफ और रिलक्टेंस में एक संबंध भी होता है, ये रिलक्टेंस इक्वल टू होता है एम एम एफ अपान फ्लक्स, एम एम एफ अपान मैग्नेटिक फ्लक्स, ये रिलक्टेंस का फार्मूला इधर से, ये रिलेशन भी होता है, रिलक्टेंस इक्वल टू एम एम एफ अपान फ्लक्स, ये रिलक्टेंस एम एम एफ और फ्लक्स में संबंध भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, ए टी पर वेबर, दिस इज द यूनिट ऑफ एम्पियर टर्न पर वेबर इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। अब देखिए मैग्नेटिक परमियबिलिटी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, म्यू की बात कर रहे थे, रिलक्टेंस में एक आया था एल अपान ए म्यू जीरो म्यू आर, तो ये जो म्यू होता है ये होता है म्यू जीरो म्यू आर, तो रिलक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा फाइनली एल अपान ए इंटू म्यू, वेयर म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। तो ये म्यू जो होता है मैग्नेटिक परमियबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये तीन होती हैं म्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता, दूसरा होता है म्यू जीरो परमियबिलिटी ऑफ एयर,
वायु की चुंबकशीलता, तीसरा होता है MMR रिलेटिव परमियबिलिटी, रिलेटिव परमियबिलिटी सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो म्यू क्या है इसकी परिभाषा पहले देंगे, व्हाट इज म्यू। म्यू जो होता है म्यू इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकायन बल का अनुपात, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी या निरपेक्ष चुंबकशीलता कहलाता है। किसी भी माध्यम में या किसी भी मैग्नेटिक परिपथ में, ये मान लीजिए मैग्नेटिक परिपथ है, मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें वोल्टेज लगाया, आई करंट फ्लो कर रही है, ये इसमें फेरों की संख्या एन है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया एच, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर बी पैदा हुई तो बी और एच का जो अनुपात होता है वही होता है एब्सोल्यूट परमियबिलिटी निरपेक्ष चुंबकशीलता। ये निरपेक्ष चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के कंसंट्रेट करने की गुण करने का गुण होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल एकोमोडेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इट अलाउज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। ये है म्यू। म्यू जीरो क्या है? परमेबिलिटी ऑफ एयर। वायु की चुंबकशीलता क्या है? वायु की चुंबकशीलता है, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर। और वैक्यूम इसके सापेक्ष बाकी पदार्थों की, बाकी माध्यम की चुंबकशीलता नापी जाती है। म्यूआर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको कहते हैं सापेक्षिक चुंबकशीलता। ये किसी माध्यम में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा एयर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अनुपात होता है। म्यूआर इक्वल टू बी एम अपान बी ए, माध्यम में चुंबकशीलता तथा वायु में चुंबकशीलता का अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेज वी लगाया है, इसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या एन है। अगर यहाँ पे ये चुंबकीय पदार्थ रखा जाए जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी मीजर करना है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकालेंगे तो वो कहलाएगा बी एम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेंगे माध्यम को रखने पर, उसके बाद ये माध्यम हटा देंगे, उतना ही वोल्टेज लगाएंगे सेम, उतनी ही करंट प्रवाहित करेंगे सेम, उतने ही फेरे लगाएंगे सेम। इस बार माध्यम हटा देंगे तो यहाँ जो एयर होगा उसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी ए, एयर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और उसका रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा बी एम अपान बी ए इक्वल टू म्यू आर। मान लीजिए इसकी सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान है 1000, सपोज इट इज़ 1000। इसका मतलब क्या है कि वायु रखने पर यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जितना मिलेगा उसकी तुलना में ये माध्यम रखने से 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। बी एम इक्वल टू 1000 बी ए, ये मतलब है म्यू आर इक्वल टू 1000 का मान। देखिए यहाँ पे अगर ये मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी एक हो अगर उसको रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बराबर जाती हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, देखिए दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अगर रिलेटिव परमिबिलिटी एक से ज़्यादा हो तो देखिए लाइनें जो हैं एयर में कम जा रही हैं, दूर दूर हैं, और इस माध्यम में पहुँचेंगी तो पास पास हो जाएंगी, पास पास ये। और बहुत ज़्यादा होगा रिलेटिव परमिबिलिटी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1000, तो लाइनें बाहर देखिए बहुत कम जाएंगी, इधर से बहुत ज़्यादा जाएंगी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, दे आर कंसंट्रेटेड। तो रिलेटिव परमिबिलिटी जितना अधिक होगा लाइनें उतना ज़्यादा कंसंट्रेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं उतना ज़्यादा पास पास होंगी, कंसंट्रेट होंगी। तो म्यू आर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ ऑफ मीडियम टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मीडियम, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी माध्यम
के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को कंसंट्रेट करने की क्षमता उसके रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाती है। जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जितना अधिक होगी वो लाइनों को उतना ज़्यादा कंसंट्रेट करेगी करेगा माध्यम, और जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कम होगी वो कम कंसंट्रेट करेगा, जैसे कि ये, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। तो परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम बात कर रहे थे, ये जितना अधिक होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना उतना आसान होता है, वहाँ उतने अधिक आसानी से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और रिलक्टेंस उतना ही कम होता है। म्यूआर अधिक होगा, रिलक्टेंस उतना कम होगा। म्यूआर जितना अधिक होगा रिलक्टेंस उतना कम होगा, या कह सकते हैं परमिएंस उतना अधिक होगा। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है परमिएंस। परमिएंस इट इज़ वन अपॉन एस। परमिएंस जो होता है वो कंडक्टेंस जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस वैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमिएंस। तो म्यूआर इज मोर, रिलक्टेंस इज लेस, परमिएंस इज मोर। परमिएंस इसको बोलते हैं चुंबक व्याप्यता। चुंबक व्याप्यता परमिएंस, परमिएंस इज मोर। तो ज़्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी होने से रिलक्टेंस कम होता है, रिलक्टेंस कम होने से परमिएंस जो है वो अधिक होता है। परमिएंस इज मोर, सो इट इज सो इट बिकम्स ईजी फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू कंसनट्रेट इन ए मीडियम। किसी माध्यम में लाइनों को कंसनट्रेट करना आसान हो जाता है जितना ज़्यादा म्यूआर होता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी शुड बी वेरी हाई फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।